सो नमस्कार बच्चों एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि रैंकर स्टॉक में ये सेशंस कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे होंगे, और आज के इस सेशन में हमारे साथ में है निशान पाठक, जो कि हमारे यूट्यूब स्टूडेंट रहे हैं और साथ में नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, टेस्ट सीरीज वगैरह, और इस बेहतरीन 2 डिजिट रैंक के लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन निशांत। थैंक यू सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। और सो गाइज, जैसे कि आप वन बाय वन, एक के बाद एक सेशन देखते जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली हमारे 1 या 2 डिजिट के सेशन चल रहे हैं, सो आप लोगों ने ये आइडिया तो लगा लिया होगा कि रिजल्ट कितना बम्फर और बेहतरीन होने वाला है। और इसके पीछे ना कि सिर्फ हमारा गाइडेंस, स्टूडेंट्स की मेहनत, उसका एक कॉन्टिन्यूशन, और इसके साथ में उसने जो एक मोटिवेशन के साथ एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की होती है, उसका सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। सो चलिए जानते हैं। सबसे पहले निशांत, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस कॉलेज से बीटेक है, किस ईयर में हो आप अभी? बिल्कुल सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम निशान पाठक है एंड मैं भोपाल से हूँ। करेंटली मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ एंड मैं अपना बीटेक MITS ग्वालियर से परस्यू कर रहा हूँ। MITS यानी कि माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एंड साइंस। मैं अभी, मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है एंड मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है गेट एग्ज़ाम के लिए मेरे फाइनल ईयर में। इससे पहले मैंने 3rd ईयर में अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरे समथिंग अराउंड 35 मार्क्स थे एंड 1657 रैंक थी मेरी। एंड अभी एक साल बाद आई अटेम्प्टेड अगेन एंड ये मेरा 2D रैंक आया। सो ये मेरी जर्नी रही फॉर दिस एग्ज़ाम। सो निशांत, ये आपकी 4 डिजिट रैंक से सीधे 2 डिजिट रैंक, तो इस जर्नी के पीछे 1 ईयर में आपका ऐसा क्या चेंजमेंट हुआ? आपने लास्ट टाइम के गेट एग्जाम से ऐसा क्या सीखा जो आपको हेल्पफुल हुआ इस बार ये 2 डिजिट रैंक लाने में? क्योंकि हर एक बंदे का जो भी गेट एग्जाम देता है, अपियर होता है, उसका एक सपना होता है कि मैं किसी तरीके से 1 या 2 डिजिट रैंक लेकर आ पाऊँ। एक जब हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब हमेशा हम लोग भी एज अ टीचर गाइड आप लोगों को यही बोलते हैं कि बेटा आपका एम होना चाहिए टॉप 100 रैंक लाना। तो वो एक टॉप 100 जो एक हम लोग एक माइल स्टोन सेट करते हैं, तो उस माइल स्टोन को रीच करने में आपने अपनी ये जर्नी 4 डिजिट से 2 डिजिट कैसे कन्वर्ट किया है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहूँगा सर कि हम एक सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम किसी एग्जाम को परस्यू कर रहा हूँ। जब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ली थी तो टू बी ऑनेस्ट एक होता है ना, यहाँ पे इंडिया में सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो केमिकल ले रहे हैं तो नाम किसी ने सुना नहीं है, तो स्कोप नहीं है, कोई भी कमेंट कुछ पास कर दे रहा है। एंड इसका सबसे ज़्यादा खराब चीज़ ये रहता है सर कि आपके पेरेंट घबरा जाता है कि हमारा बच्चा सही पाथ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। बट मेरा ऐसा था कि मेरे को कभी कंप्यूटर आईटी में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। सो मेरे को कुछ यूनिक करना था या फिर ऐसा कुछ करना था जो बहुत लोग नहीं करते या फिर नहीं कर पाते, राइट सर? तो इससे सर मैंने केमिकल का ब्रांच लिया। तो और मेरे को एक्चुअली मेरे भोपाल में बहुत अच्छा मेरे को कॉलेज नहीं मिल पा रहा था व्हेन कंपेयर्ड टू केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको परस्यू करनी हो तो मेरे ये कॉलेज का मैंने नाम सुन के रखा था, तो मैंने अलॉट मतलब मैंने भरा एंड मेरे को पहली बार में मिल गया। फिर वहां जाके पता चला कि सीट ही नहीं भराती है केमिकल की, और वहां पे ऐसे ही लोग आते हैं, या तो मतलब 10% वैसे लोग रहेंगे जिनको सही में परस्यू करना है, बाकी ऐसे हैं कि जिनको कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो ये सर ऑनेस्टली ऐसा मेरी, और मैंने देखा है, सुना है सबके मुंह से माना। तो एंड खुद जब मैंने देखा तो मेरे को समझ में आया केमिकल का क्या एनवायरमेंट था। बट सर जब जब हमें जरूरत पड़ने लगी कि पढ़ना कैसे, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत लिमिटेड कंटेंट है, या तो आप NPTEL वगैरह से जाके पढ़ो और या फिर सर आप जैसे लोगों ने इतना अच्छा काम करके रखा था, पूरी जो टीम थी आप लोग की, तो वहां से सर सेमेस्टर हमारे लिए आसान होना चालू हुआ। और फिर जाके सर एक दिन एक नाम आया ना आगे, गेट GAT। एंड मेरे को नहीं पता था कि मैं ये ऐसा कभी उसमें इतना इंग्रॉस हो जाऊंगा मैं। तो सर मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, क्योंकि मेरे को पता चला कि इससे अपन हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हैं एंड मेजोरिटी ऑफ द PSU इससे रिक्रूट करते हैं। सो दिस वॉज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर अटेम्प्टिंग गेट्स। तो सर मैंने 3rd ईयर में पहला अटेम्प्ट दिया एंड मेरे पास अराउंड 50-52 मार्क्स का कंटेंट था एंड आई स्कोर 35 था। तो मैं सेटिस्फाई नहीं था, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि यार ठीक है, आधा पढ़ के अपने क्वालिफाई तो अपन हो गए हैं। एंड सर फिर मैंने, मेरे को 3rd ईयर में सबसे अच्छी बात रही कि मेरे को गलतियां पता चली। सो मेरी प्रैक्टिस लैक करती थी,
मैंने टेस्ट सीरीज उतनी नहीं दी थी, और मोस्ट ऑफ ऑल सर मेरे पास पूरा सब्जेक्ट कवर ही नहीं था, मेरे पे सारे सब्जेक्ट नहीं कर पाया था मैं। तो मेरे को ये समझ में आया कि यार अपने को मेजोरिटी कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हाल में। देन सर मेरे को अपनी प्रैक्टिस एनहांस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे एनहांस होगी सर? सिर्फ पीवाईक्यू से तो नहीं होती सर, पीवाईक्यू करो, वापस करो, एंड देन जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह सर कंडक्ट होते गए कंडक्ट होते गए किसी भी फैकल्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, जहाँ क्वेश्चन मिल रहा है मैं तो वहाँ से करूँगा। एंड इसका मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको बहुत सारी वैरायटी कवर करने को मिल जाती है जब आप मल्टीपल टीचर्स से क्वेश्चंस करते हो, राइट सर? कोई किस टाइप के करा रहा है, कोई अलग टाइप से मिल रहा है, अल्टीमेटली फायदा स्टूडेंट का हो रहा है क्योंकि हमको वैरायटी मिल रही है करने को। तो ये सर मैंने इंश्योर किया। एंड सबसे बड़ी बात सर, थर्ड ईयर में जब मैं था तो जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि एक सेल्फ डाउट रह जा रहा था, मैं फिर से चेक कर रहा हूँ उसको, एक एक क्वेश्चन में 6-6 मिनट लगा दे रहा हूँ, है ना। एंड सर उसकी वजह से, अगर सर आपको याद होगा 2023 में एक पंप का क्वेश्चन था एफिशिएंसी वाला, तो मैं 6 मिनट लगाने के बाद भी मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया, रेंज में नहीं बैठा, मेरे 2 नंबर मतलब एक होता है आते आते चले गए करके। मैथमेटिक्स का सिम्पसन रूल्स का क्वेश्चन था, वही अंदर से डर घबराहट हो रही, नहीं कर पाया, वो क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। और वो सब क्वेश्चन मैं ऐसा मानता था लड्डू थे, मतलब वो सही होनी चाहिए थे अगर कोई जनरली प्रिपेयर कर रहा है। तो दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन सर कि ठीक है इसको तो अब हटाने की किसी भी हाल में, मतलब ऐसी गलतियां कभी नहीं कर रहे हैं। तो सर मैंने प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट पे काम किया, अपनी कंसिस्टेंसी पे डेफिनेटली सर वर्क करा ही मैंने, कि मेरे को इंश्योर करना है कि मैं मिनिमम दिन में 2-3 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ूँ, जो भी मेरा मन कर रहा है, सीआरई पढ़ने का मन है, आईपीसी पढ़ने का मन है, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर पढ़ लिया है तो क्वेश्चन लगा ले रहा हूँ, क्वेश्चन लगा लिया तो पीवाईक्यू एक और बार कर ले रहा हूँ। तो सर ऐसे करते करते ये जर्नी हुई सर, एंड सर रिजल्ट अब हमारे पास है सर। ये सारा सर निशांत, बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे कॉलेज के सीनियर्स होते हैं, उन्होंने एक टॉप रैंक अचीव किया होता है तो एक मोटिवेशन मिलता है, हम देखते हैं कि ये हमारे सीनियर्स थे, इन्होंने AIR 1 दिया, AIR 5 दिया, तो क्या आपको ये मोटिवेशन फिर कहाँ से मिला? कॉलेज में नंबर ऑफ सीट फुल नहीं हो रही, सीनियर से क्या वो सपोर्ट मिला, या फिर कैसे आप वो मोटिवेट हुए, कैसे आपको लगा? सिर्फ PSU में रिक्रूटमेंट या फिर कोई और भी रीजन था? सर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सर सेल्फ मोटिवेशन है सर। मैं किसी दूसरे को देख के, किसी दूसरे के रैंक देख के मेरे को एक्साइटमेंट आ जाएगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 दिन के लिए शायद, बट अल्टीमेटली उसने अचीव करा वो काम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट सर? और फिर जब मैं ये सोचता हूँ यार जब मेरी ऐसी कुछ होगी तो कितना अच्छा लगेगा, मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, है ना सर, एंड जो भी कंसर्न लोग हैं मेरे लिए, तो सर मेरे लिए मैं ऐसा मोटिवेशन लेके चलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता था। एंड सर टॉक अबाउट सीनियर्स, मेरे सीनियर्स के बैच में अराउंड 50 लोग थे, तो सर मेरा कनेक्ट अच्छा था लोगों से, बात बात होती थी मेरी, बट सर वहाँ पे सीनियर्स बहुत दिमाग वाले थे, जो गेट का प्रेप कर रहे थे वो कॉलेज में दिखते ही नहीं थे मेरे को। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब 2023 का इवेंट निकला तो एक ऐसे बंदे का रैंक आया जिसका नाम मैंने कभी सुना ही था कि मेरा सीनियर है, उन्होंने AIR 35 मारी थी, अभिषेक नाम है उनका, आप शायद जानते हो गए, वो मेरे सीनियर है। एंड उनका मेरे को जस्ट कुछ समय पहले टेक्स आया था, तो सर ऐसे थे वो सीनियर AIR 235, बट वो भी नहीं रुके सर, अभी उनका भी स्कोर अच्छा ही आया है, अभी बात करूंगा उनसे। तो एक मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब कि यार हाँ अपने आसपास लोग दे रहे हैं, वो अवेयर हैं कि एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है और ये कैसे आपकी लाइफ में सर एक चेंज ला सकता है। एंड बीइंग केमिकल इंजीनियरिंग मेरे को सर ऐसा लगता है कि ये ऐसा एग्जाम है, ये आपको लेवल अप कर देता है, एक होता है ना भीड़ से अलग कर देता है। सो ये मोटिवेशन था सर बिहाइंड गेट को परसू करने का सर। सो निशांत, आपको तो शायद उतना सपोर्ट मिला नहीं मिला, लेकिन आपके जूनियर्स आपसे क्या उम्मीद करें कि आप अभी कम से कम 3 मंथ तो कॉलेज में हो, मार्च चल रहा है, मई या जून में पेपर होंगे आपके यूनिवर्सिटी में, सो अभी ये 3 मंथ में आपके रिजल्ट आने के बाद, इतनी बेहतरीन रैंक के बाद, आपके जूनियर आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? सर मैं सही बताऊँ तो सर पहले तो मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहूँगा सर। एक होता है ना सर, कभी जब सर आप लोग सर, जब हम लोग पुराने प्लेटफॉर्म पे थे, अगर किसी पे थे, जब आप लोग सर इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, राइट सर, हम तो मैं ऐसा था, मैं देखता था यार, अरे यार क्या बंदा है, किसी ने AIR 1 मारे हो, या फिर मैं मल्टीपल चीजें मैंने आप लोग के देखे, मतलब ये तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, टॉपर का इंटरव्यू को देखना है इररेस्पेक्टिव की, जरूरी नहीं कि मेरी स्ट्रैटेजी उनसे सेम हो, बट
ऐसी चीज जो उनको बहुत काम आई हो वो शायद मैं उसको नोट कर लूँ कि होता है मैं उसको कुछ उससे और अच्छा कर पाऊँ। तो सर मैंने आप लोग के देखे थे जितना आप लोग इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर रहे थे, वहां से सर मतलब एक होता है कि मैंने कभी ख्वाब देखा था कि यार मेरा भी इंटरव्यू कभी कंडक्ट हो, या फिर और सर डेफिनेटली उसके लिए अच्छा रैंक चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हूँ आप मेरे को इंटरव्यू कर रहे हो राइट सर, तो आई थिंक कुछ अच्छा ही काम किया सर। बिल्कुल तो एक तो सर वो था। एंड टॉकिंग अबाउट सर जूनियर्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से मैं कंसल्ट तो सर करूंगा ही डेफिनेटली, मैं किधर जा सकता हूँ, मैं डेफिनेटली सर मेरा एम तो मैं देखूंगा सर कि एक अच्छे पे से मैं सर मैं रिक्रूट हूँ। एंड बाकी सर COAP का तो चालू होने ही वाला है 2-3 दिन में, एंड आप लोग के वीडियो आना चालू हो ही चुके हैं कि रैदर किस कॉलेज को मेरे को सेलेक्ट करना चाहिए। एंड सर डेफिनेटली जो रैंक है सर, तो जो भी बेस्ट क्राइटेरिया बैठता है आई डेफिनेटली अप्लाई करूंगा कॉलेज के लिए एंड डिफरेंट प्लेसेस के लिए सर। एंड सर फिर देखता हूँ सर जर्नी कैसे जाती है, किधर लेके जाती है रोड, बट मैं सर अपना बेस्ट दूंगा जिधर भी जाऊंगा। जैसे ही कॉप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वैसे ही बेटा मैं सेशन लूँगा, और उस सेशन में जी मैं सर प्रॉपर गाइड करूँगा किस रैंक तक के बच्चे को कौन कौन सा अप्लाई करना है। और ये तुक्के में नहीं होगा, मेरे पास लास्ट 4 ईयर का पूरा डेटा है कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है, ये तो सबको पता होता है कितनी सीट है, बट किस कॉलेज में किस रैंक तक, किस गेट स्कोर तक किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, और किस पर्टिकुलर काउंसलिंग के सेशन आपको अटेम्प करने, वो सारी चीज़ें मैं गाइड करूँगा। हर एक राउंड के बिल्कुल सर सेशन में लूंगा, और PSU के बारे में सुमित सर हर एक राउंड के सेशन लेंगे। अभी वो अपनी क्लास में बिजी हैं, कुछ हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेज हैम्पर ना होने पाए किसी वजह से, तो अभी वो क्लास में बिजी हैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में वो प्रेजेंट थे, कुछ इंटरव्यू सर के अकेले होंगे स्टूडेंट के साथ में जब मैं बिजी होंगे, तो हम किसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, और जो भी बच्चे गेट ट्रिनिटी का पार्ट बने उनको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और करने का आगे प्लान है, और बहुत सारी प्लानिंग और है। और टेस्ट सीरीज से आप लोगों को जो गेट 23 की टेस्ट सीरीज 24 की टेस्ट सीरीज रही उसमें लगभग 33 क्वेश्चन हमारे गेट में सिमिलर टू सिमिलर पूछे गए, जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया सिमिलर टू गेट, लेवल भी वही, सब कुछ वही। तो निशांत आपको क्या लगता है कि गेट 25 की बेस्ट टेस्ट सीरीज किसके साथ बच्चों को या आपके जूनियर्स को मूव करना चाहिए? सर, जैसे मैं अपने प्रेप में था सर, तो मैंने मल्टीपल जगह पे सर हाथ डाला एंड हाथ जले भी कई जगह पे क्योंकि टेस्ट सीरीज का मेन काम रहता है कि आपको माहौल मिले, सेकेंडली रेलिवेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है बिल्कुल ना। मेरे को लगता है जो ये बड़े बड़े नाम है ये लड़ाई वहां पे इस चीज की हो जाती है कौन सबसे कठिन बना देता है ना, आप किससे बच्चे से नहीं बन रहा है, रादर कि उनका फोकस ही हट जाता है टेस्ट सीरीज किस लिए होती है एंड फिर लोग डिमोटिवेट होते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। तो सर ये फायदा था कि मैं आप लोग के टेस्ट सीरीज में भी एनरोल्ड था, कहीं और भी था, तो वही सर जैसे मैंने पहले बोला था वैरायटी मेरे को मिलती है, बट सर जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया था, जो कॉस्ट था सर वो तो सर मतलब कहीं भी नहीं था, मतलब टू बी ऑनेस्ट वो सबसे कम था। तो हम तो सर मतलब चले गए हर जगह पे थे एनरोल्ड थे, हमको तो सर क्वेश्चंस करने से मतलब था। एंड टू बी ऑनेस्ट यस मैं बोलूंगा कि एक रेलिवेंसी अगर आपको चाहिए तो एंड कम कॉस्ट था तो डेफिनेटली ट्रिनिटी का परस्यू करा जा सकता है। एंड अगर आप निशांत सेटिस्फाई नहीं होते हो, जो कि जनरली मेरे को लगता है ऐसा नहीं हो कि आप होगा नहीं, बट हाँ आपको अगर सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो आप कोई एक और ले सकते हो, मैं तो दो बोलूंगा आप परस्यू करो, बट डेफिनेटली वन ऑफ देम शुड बी गेट ट्रिनिटीज, थैंक यू। तो मेरा ये और रहेगा सर। निशांत हम लोग हमेशा से ट्राई यही कर रहे हैं कि ऑप्टिमम कॉस्ट में बच्चों को प्रोवाइड हो, और जैसा कि इस बार हम लोगों ने अपना सिर्फ 8 टेस्ट दिए थे 99 रुपीज़ में, हालांकि बाद में उसका कॉस्ट 200 तक भी गया क्योंकि ये अर्ली बर्ड ऑफर में 99 में दिया, कुछ और ऑफर्स आए उसमें भी हमने बहुत कम कॉस्ट में दिया, एक सिंगल टेस्ट हमने सबसे मिनिमम कॉस्ट ओनली 5 रुपीज़ में भी दिया। तो जो हम लोगों ने ये कॉस्ट प्रोवाइड की, इस बार भी मैं आप लोगों से यही प्रॉमिस करता हूँ कि बेटा मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी सबसे बेस्ट और सबसे ऑप्टिमम कॉस्ट में होगी, सबसे कम कॉस्ट में हम आपको सेल करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और इतने टेस्ट हों कि प्लान किया है हम लोगों ने टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वाइज, फिर एडवांस सब्जेक्ट वाइज, मिक्स सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ और PYQs भी आप लोगों को एज अ गेट पेपर के थ्रू मिले। निशांत जैसे अब हम लोग ये अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है, अभी 6 मंथ हुए, 6 मंथ में अभी तक हमारे पास 2500 के आसपास बच्चों ने ट्रिनिटी का ऐप डाउनलोड किया,
जिसमें अभी हमारे पास 1300 समथिंग स्टूडेंट हैं जो इनरोल्ड हैं किसी टेस्ट सीरीज के थ्रू या कोर्स के थ्रू या बार के टेस्ट सीरीज के थ्रू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप YouTube से प्रिपरेशन करते रहे तो आपको ऐसा क्या, अगर फिर से एग्जाम देना हो तो आप गेट कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सर ये मिनिमम कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए जिससे बच्चों का बहुत बेनिफिट हो, मैं ट्राई करूंगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का। सर मैं सही बताऊं तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है, फिर हम बोल देते हैं, आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरे फैकल्टी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, राइट सर। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अगर किसी को उस चीज का रिवॉर्ड ना मिले तो वो मेरे लिए अनफेयर होगी, राइट सर। मैं सर मिनिमल कॉस्ट को सपोर्ट करूंगा राधर के उसको फ्री कर दिया जाए, क्योंकि सर जनता ऐसी है फ्री की वैल्यू नहीं समझती है, मेरे को ऐसा लगता है, राइट सर। जब आपने फिर टेस्ट प्रोवाइड करे थे 5 रुपए में 7 रुपए में, राइट सर, तो एक होता ना कि एक अंदर में लगता है आप 7 रुपए दिए हैं किसी चीज के, लेकिन फ्री का हो जाएगा ना, बोलेगा यार ठीक है छोड़ दिया यार कोई दिक्कत नहीं, फ्री तो है करके, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये मेरा भी है सर, हो सकता लोग डिफरेंशिएट करें, एंड बट सर अगर कॉस्ट कम होती तब तो वेल एंड गुड सर, एंड फ्री तो सर मतलब पता नहीं सर इसमें क्या ही बोलूँ मैं, बट हाँ सर मिनिमम कॉस्ट होती तब तो बहुत ही अच्छी है सबके लिए, क्योंकि सर एक होता है ना हमारे पास जनता जो है या फिर स्टूडेंट्स वगैरह है बहुत जगह जगह से लोग आते हैं सर, सो एंड जो आप लोग एम कर रहे हो राइट सर, क्योंकि आप लोगों ने पार्क भी प्रोवाइड किया था एंड जब टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया था, तो अच्छा है ना सर सबको, अगर मिनिमल कॉस्ट मिल रहा है तो सबके लिए बेटर है, चाहे जो अफोर्ड कर सकता है और जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता है, तो सर मेरा ऐसा रहेगा सर। बार की टेस्ट सीरीज भी हमने अर्ली बर्ड ऑफर में 99 रुपीज की दी थी और मैक्सिमम कॉस्ट उसकी 200 रही है, इस टाइम पे भी आज कल टेस्ट है 149 की, तो अभी भी आपको शो हो रही होगी, और 79 रुपीज़ की 4 टेस्ट प्रोवाइड किए थे बेटा हम लोग। जैसा कि निशान ने बोला कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बट ऑप्टिमल, तो हम ट्राई करेंगे ऑप्टिमल, भले ही हम आपको 5 रुपीज़ की दें या 10 रुपीज़ की दें, लेकिन कुछ ऐसा प्लान करेंगे। और जैसा कि अभी हम लोगों ने और प्लान किए हैं RCFL और RCFL के साथ साथ इसरो के साथ फैक्ट, ये टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अभी बार की चल रही थी इसलिए हम नहीं चाहते थे कि स्टूडेंट डिस्टर्ब हो, एक साथ दो दो तीन तीन टेस्ट सीरीज में मूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, तो इसलिए बार की अब कल आप लोगों का एग्जाम है, तो अब इसके बाद सॉरी बार का एग्जाम भी आप लोगों का हो रहा है, तो अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर प्लान करेंगे कि आगे कैसे कैसे अदर टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब गेट ट्रिनिटी, आपको केमिकल इंजीनियरिंग कुछ भी रिक्वायरमेंट है 1 ईयर के अंदर मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, और उस कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको लगेगा कि ठीक है ये तो एक जस्ट लेज के पैकेट के बराबर की कॉस्ट है, एक लेज का पैकेट खाएं इससे अच्छा चलो यार एक टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, इस कॉस्ट में हम लोग प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे इस बार के रैंकर्स हैं उन सभी का सपोर्ट भी मिलेगा मुझे। सो निशांत अगर मैं आपको बोलूं कि आपके जो जूनियर्स हैं और जो इस हमारे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आप उनको गाइड करना चाहो तो लास्ट कुछ वर्ड्स में आप उनको क्या गाइड करोगे? सबसे पहले तो सर मैं ये बोलूंगा कि थर्ड ईयर से स्टार्ट करो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने एक होता ना सर दुश्मन को जान लो, दुश्मन तो नहीं बट एक होता ना उसको पता चल जाए कि यार क्या माहौल होता है वहाँ पेपर का एंड किस तरीके की चीजें आए जाते हैं, एंड मेरे को लगता है बेटर ही आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो तो एक आपको अंदाजा रहता है कैसे आपको चीजें ले जानी है, गलती आइडेंटिफाई करने पता चलता है कौन सा सब्जेक्ट आपसे बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, ताकि आप उसको और फोकस कर पाओ, तो ये तो मेरे को लगता है बेसिक होने चाहिए। एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो 5-6 घंटे तो मिनिमम निकालो, निकल जाते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एंड धीरे धीरे उसको कंसिस्टेंसी की आपकी रहेगी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी एग्जाम में, ये नहीं है कि हम आज हम 6-7 घंटे पढ़ ले रहे हैं फिर 2-3 दिन कॉपी नहीं खोल रहे हैं, इससे क्या होगा जो आपने पढ़ा है वो भी आपको याद नहीं रहेगा, एंड रादर एक वो फ्लो नहीं बन रहा, रिदम नहीं बनेगा। सो ये सर मेरा सजेशन रहेगा जो भी परस्यू करना चाहेगा, एंड जैसे सर ने बताया था कि उन लोग ऑप्टिमल प्लान कर रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि सर लोग को आप लोग को इवन देखा नहीं होगा, चाहे यूट्यूब पे रहो चाहे पुराना प्लेटफॉर्म कहीं भी रहो, तो एक होता है कि वो बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या क्या कंटेंट आप लोग के थ्रू आ सकता है, राइट सर। सबने देखा ही हुआ है, सबने पढ़ा ही हुआ है, सबने प्रैक्टिस करा ही हुआ है, चाहे आपकी बात हो चाहे सुमित सर की बात रही हो, सो जब भी आप ज्वाइन करो बट जल्दी ज्वाइन कर सकते हो आप,
एंड आप लोग के बैचेस तो स्टार्ट है यहाँ, सो गाइडेंस में आइए आप लोग, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। एंड ठीक है, आज मैं यहाँ पर हूँ, नेक्स्ट ईयर आप लोग होंगे, सर इंटरव्यू कर रहे होंगे, एंड मैं भी ग्रुप में एडेड हूँ। तो जस्ट एक स्मॉल कुछ चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी जूनियर को नीड लगते हैं तो मैं भी अवेलेबल रहूंगा। अपार्ट सर और सर लोग तो रहेंगे ही, बट तब भी किसी को जरूरत लगती है तो वी आर ऑलवेज देयर। एंड गाइज, जिस टाइम पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को छोड़ के अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना, शायद जिनके इन्वेस्टमेंट के सामने हम जीरो हैं। अगर हम कंपेयर करें, प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कंपेयर करें तो शायद उनके पास जो फंडिंग होगी वो हमारे पास कभी हो ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने ये स्टेप लिया और उस स्टेप को सक्सेसफुल बनाने में जो योगदान रहा है वो इन्हीं स्टूडेंट्स का रहा है। निशांत हो या और जितने भी आप इंटरव्यू देख रहे हो, ये लोग हों, इन लोगों ने उस टाइम पे मोर्चा संभाला है जिस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा नीड होती थी। तो ये वो बैच है जिस टाइम पे इन्होंने बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मेरे ऊपर किया, मेरे डिसीजन को सही साबित करने में निशांत की तरह बहुत सारे स्टूडेंट का हाथ रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इन्होंने मेरे ऊपर फेथ दिखाया है वो फेथ मैं अपने आपके जूनियर्स के लिए प्रोवाइड करूँ, वो कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बाय द वे, हमारे दो बैच ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें 25-26 के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हमारा हीट ट्रांसफर और प्रोसेस कैलकुलेशन चल रहा है। हर एक यूनिट के बाद आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक यूनिट के बाद आप लोगों के टॉपिक वाइज टेस्ट अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को टॉपिक वाइज PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब जब आपका बेसिक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाएगा तब आपको A to Z PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है हम लोगों की। इसके अलावा जूम कॉल के थ्रू आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना मैंने कमी दूसरे प्लेटफॉर्म पे फील किया, जिसके लिए मुझे हर बार किसी से परमिशन लेनी पड़ती थी। आज यहाँ पर मुझे परमिशन लेने की नहीं, आज मुझे स्टेप मूव करने की नीड है, जो कि मैं कर रहा हूँ। और अगर उम्मीद करता हूँ कि और कोई भी स्टेप की नीड होगी तो आपके जो सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे इस बार के रैंकर्स हैं और आगे आने वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वो भी मुझे एक सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसा करते हैं बेटर रहेगा। तो निशांत, आपके सजेशंस का हमेशा वेलकम है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जूनियर्स के लिए उतना मैं बेस्ट कर पाऊँ। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा एक कमी फील की कि बहुत बार फेलिसिटेट कर दिया जाता है टॉप 10 रैंकर्स को, लेकिन मुझे लगता है जो टॉप 100 रैंकर्स होते हैं उनको भी सेम, उन्होंने भी वो मेहनत की होती है, उनके पास भी वो एक्सपीरियंस वो नॉलेज होता है। तो एक मुहिम मैंने इस बार स्टार्ट की है टॉप 100 के अपने उन रैंकर्स को फेलिसिटेट करने के लिए। कानपुर हम 19 को इनवाइट किए हैं और मुझे उम्मीद है निशान कि हम लोग 19 को मिल रहे हैं। आप भी उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो और हम भी। सो फिर फेस टू फेस मीटिंग करते हैं। आज पहली बार मैं आपका फेस देख रहा हूँ, आप तो मेरा देखते रहे हो, लेकिन उस दिन अब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे। ये एक अच्छा बेटा टीचर्स के लिए, सिर्फ ये गेट का रिजल्ट आपका रिजल्ट नहीं है, ये हमारा भी रिजल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना करियर दांव पे लगा के हम लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के कुछ नए स्टेप लिए हैं। और उस स्टेप में बेटा मेरी भी फैमिली है और मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट हम लोग भी एक बेटर वे में आगे मूव करें। सो बस ये रिजल्ट आज ये प्रूफ कर रहा है कि हम लोगों ने 1 मंथ 1 ईयर की जो मेहनत की है और 1 मंथ की जो टेस्ट सीरीज के लिए मेहनत थी, ये गेट ट्रिनिटी का जो साइन है ये हमें बता रहा है। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का सपोर्ट रहेगा। और निशांत ने जैसे बोला, बहुत बड़ी बात है ये कि हम लोगों के साथ साथ निशांत भी आप सभी जूनियर्स के हेल्प के लिए प्रेजेंट होगा। और उम्मीद करते हैं आगे जहाँ पर भी निशांत का सिलेक्शन हो, बस आप अपनी कैरियर की पीक को टच करिए, आप कैरियर में बहुत सक्सेसफुल बनिए, अपने पेरेंट्स का हम लोगों का नाम रोशन करिए। और मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। अगेन इस सेशन को जल्दी फिनिश कर रहे हैं क्योंकि और भी स्टूडेंट क्यू में हैं, क्योंकि वो भी रैंकर्स हैं। तो 19 को हम निशांत मिलेंगे। अगेन बिल्कुल सर, मैनी थैंक मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन निशांत। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। सो गाइज, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है, ये हमारे कुछ सेशन हैं जो ऑलरेडी कुछ कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं। और इसमें आप ये देखेंगे प्रोसेस कैलकुलेशन मैं 6:30 PM से और हीट ट्रांसफर 9 PM से सुमित सर का चल रहा है। आप इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं या न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं प्रयास बैच, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट होगा CRE के साथ में। CRE इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग।
सिंगल सब्जेक्ट है बेटा यूनिट ऑपरेशन का, मोस्ट डेंजरस ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं, बट मेरे लिए तो सीआरई सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है और मैं बोलूं कि ये मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट भी है। तो चलिए मिलते हैं 22 मार्च से और सीआरई की एक जर्नी और ऐसी स्टार्ट करते हैं जो आपको गेट में रैंक ला पाए, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप उतना कॉन्फिडेंट हो पाए कि अरे ठीक है इंटरव्यू ही तो है ना, अरे सीआरई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैं देख लूंगा, हीट ट्रांसफर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैं देख लूंगा, आपको ना कि सिर्फ गेट के लिए किसी भी इंटरव्यू के लिए आपको गाइड कर सके। तो चलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए। अभी के ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चों।